हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ गया हूँ एक मस्त सी एक न्यू वीडियोस के साथ। एक्चुअली लेट लाइक पिछले कुछ मंथ से मैंने वीडियोस बनानी बंद कर दी थी, क्योंकि मेरा मैक्सिमम टाइम डेवलपमेंट और बाकी की जो प्रोग्रेस था उसको करने में निकल जाता था। तो मैंने आज ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मेरे पास एक एक्साइटिंग न्यूज़ है कि मैंने अपना एक माइलस्टोन जो इस साल का प्लान किया था, जो शायद आपने देखा होगा कि मैं स्टार्टिंग से अपनी पूरी वीडियोस बना रहा था, वो मैंने अचीव कर लिया। यस, मैंने वो सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैंने ईयर स्टार्ट में मैंने प्लान किया था कि कम्युनिकेशन इम्प्रूव करनी है। मैं वीडियोस हर दिन तो नहीं बना पाया, बट यस कम्युनिकेशन मेरी इम्प्रूव काफ़ी ज़्यादा हुई है। मेरा कैमरे से जो डर है वो ख़त्म हुआ। मेरे जो कुछ इम्पोर्टेंट प्लान्स थे, जैसे मैं अपना खुद का एक प्रोडक्ट बनाऊंगा, सेकेंड वेबसाइट लॉन्च करूंगा और लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना स्टार्ट करूंगा। तो यस, मेरा जो वो माइलस्टोन था कि मैं खुद का प्रोडक्ट बनाऊंगा, उसका जो अपडेट है मैं इस वीडियो के थ्रू देने वाला हूँ। इनफैक्ट मैं प्रोडक्ट की थोड़ी सी जो यूआई है वो भी दिखाऊंगा, किस तरीके से वो यूआई दिखता है और क्या क्या उसकी टेक स्पेसिफिकेशन है, मैं उसके बारे में भी थोड़ा बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने सारी चीज़ें सेटअप की हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए मूव करते हैं अपनी जो सेकंड स्क्रीन है। सबसे पहले तो अगर आपको पता हो कि ये मेरी जो चेकलिस्ट थी, मैंने एक चेकलिस्ट बनाई थी कि मैं अपने प्रोडक्ट में क्या क्या बनाने वाला हूँ, वो मैंने यहाँ पे प्लान किया था। अभी एक दो ही चीज़ें रह गई हैं, वो भी मुझे कन्फर्म नहीं है कि मैं करने वाला हूँ या नहीं, क्योंकि वो मुझे इतने इंपॉर्टेंट अभी के लिए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो मेरे MVP का पार्ट नहीं है। बट इन फ्यूचर डेफिनेटली आई विल टेक केयर ऑफ अबाउट दैट। मैं अभी जो फोकस कर रहा हूँ वो है कि करंटली एप्लीकेशन को जितना ज़्यादा स्टेबल बनाया जा सके। तो ये है हमारा UI, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने URL जो यूज़ किया वो है grocerhut.pickupcoders.com, और यहाँ पे कैटेगरीज के टैग टैग में कैटेगरीज का राउट आता है और कैटेगरीज यहाँ पर दिखाई जाएंगी। इसके अलावा होम स्क्रीन पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पर दिखती है, जैसे कि सारे ट्रेंडिंग डील्स, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, कलेक्शंस, जो भी यूजर को पसंद आता है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। बाकी मैंने ऑलरेडी अभी एडमिन अकाउंट में लॉग इन कर रखा है, तो मैं एडमिन पोर्टल दिखाता हूँ एडमिन पोर्टल में क्या क्या अवेलेबल है। बाकी मैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट गाने सुनता हूँ, एंड जो आज मैं सुन रहा था वो था आई डोंट नो वाई लाइव बाय अकोस्टिक, लाइक अकोस्टिक काइंड ऑफ म्यूजिक है, तो मैं वो सारी चीज़ें सुन रहा था। तो आई एम नॉट श्योर वाई इट इज़ टेकिंग लिटल टाइम। आई थिंक मेरा जो लैपटॉप है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, क्योंकि अगर सेम साइड में मोबाइल या दूसरे सिस्टम्स में ओपन कर रहा हूँ वो बहुत फास्ट है, क्योंकि इसका जो भी बैकएंड सर्वर मैंने यूज़ किया है वो है अमेजोन का, तो वो सीरियसली बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट। तो दिस इज़ द डैशबोर्ड जहाँ पर सारी बेसिक इनसाइट्स दिखती हैं कि कौन सी पेमेंट आई है, कौन सा ऑर्डर आया है, कितने न्यू ज्वाइनिंग आए हैं, कितनी बुकिंग्स हुई हैं। इनफैक्ट जो यूज़र है अपनी टाइमलाइन के बेसिस पे भी अपने प्रोडक्ट्स को चेक कर सकता है, अपनी रिपोर्टिंग्स को बेसिकली चेक कर सकता है कि क्या क्या अपडेट्स आए हैं, और उनके बेसिस पे वो रिएक्ट कर सकता है। बाकी यहाँ पर प्रोडक्ट्स का भी एक सेक्शन है जहाँ पर यूजर जो है प्रोडक्ट नॉट अ यूजर बट एडमिन जो है वो अपने प्रोडक्ट मैनेज कर सकता है, इवन सिंगल सिंगल भी अपलोड कर सकता है, बाकी वो एक्सेल के थ्रू भी अपलोड कर सकता है। सेम थिंग फॉर कलेक्शन एज वेल, कलेक्शन भी सिंगल और मल्टीपल दोनों अपलोड किया जा सकते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द कलेक्शन उन प्रोडक्ट्स को मैप भी किया जा सकता है। और जो भी ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड कलेक्शंस को ऐड किया जाएगा यूजर्स देख सकते हैं, एंड जो भी यूजर देखेगा उसको यूजर को जो भी पसंद आता है वो अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, एंड ऑर्डर जो भी आएंगे वो इस ऑर्डर सेक्शन में दिखाई दिए जाएंगे, लाइक कितने ऑर्डर्स आए, क्या उनका स्टेटस है, उसको कैंसिल करना है या नहीं, मतलब वो सारा कुछ एडमिन कर सकता है। बाकी इनवॉइस इनवॉइस भी डाउनलोड हो जाती है, डिलीट भी हो जाता है, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एडमिन कैन टेक डिसीजन। अबाउट द कस्टमर डिटेल, कस्टमर बेसिस पे भी डिटेल्स यहाँ पर दिखती हैं कि कौन से कस्टमर ने कितनी सेलिंग करवाई है, किस टाइप का काम किया है, और वी कैन ऑल्सो डिलीट द कस्टमर एज वेल।
इसमें जो मेरा फेवरेट फीचर है वो है डिस्काउंट का, क्योंकि हर एक इंडियन कस्टमर को डिस्काउंट बहुत पसंद आता है। तो एडमिन जो है स्पेशल टाइम पे स्पेशल सिनेरियो पे ऑफर भी क्रिएट कर सकता है एक पर्टिकुलर टाइम जोन के लिए, ताकि जो कस्टमर्स हैं उनको लॉयल्टी प्रोग्राम के लिए या और भी चीज़ें के लिए अट्रैक्ट किया जा सके। और यह है पेमेंट स्क्रीन, इसको मैं थोड़ा और इम्प्रूव करने वाला हूँ, बट यस पेमेंट स्क्रीन में थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ताकि पेमेंट को वेरीफाई किया जा सके। और नेक्स्ट है सिक्योरिटी, इसको अगर हम इनेबल कर देंगे तो हमारा जो फ़ोन है हम उसको अटैच कर सकते हैं, ताकि एडमिन जब भी लॉगिन करेगा उसको 6 डिजिट पासवर्ड हर बार चाहिए होगा, और वो उसी फ़ोन से चाहिए होगा जिस फ़ोन के थ्रू इसको ऑथेंटिकेट किया गया होगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द कूलेस्ट फीचर अबाउट दिस एप्लीकेशन, ताकि सिक्योरिटी मिल सके। इसके अलावा जो नॉर्मल कॉमन से फीचर्स हैं वो है न्यूज़लेटर एंड क्वेरीज। यहाँ पर जो एडमिन है क्वेरीज देख सकता है, जो भी जो फ्रंट एंड से यूज़र जो है उन्होंने भेजा है, और उनको रिजॉल्व करने के बाद यहाँ पर उसको मार्क किया जा सकता है रिजॉल्व। इट्स लाइक अ नॉर्मल टिकटिंग सिस्टम, एक बेसिक मैनेजमेंट के तरीके से। और सेम चीज़ न्यूज़लेटर के लिए, मार्केटिंग पर्पज़ के लिए काफ़ी यूजफुल है। और इसके अलावा एप्स एंड इंटीग्रेशन में ये कुछ मैंने ऐप्स के लिंक्स दिए हैं जिसको हम यहाँ पर अपने प्रोडक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये ऐप स्टोर जैसा तो नहीं है अभी के लिए, बट यस इनकी इंटीग्रेशन इजीली पॉसिबल है इस पूरे प्रोडक्ट में, और ये बहुत मतलब बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी स्केल हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द यूआई पार्ट, दिस इज ऑल अबाउट द एडमिन एंड फ्रंट एंड यूजर पार्ट। इस तरीके से प्रोडक्ट्स दिखते हैं, इस तरीके की बाकी डिटेल्स दिखती हैं। तो लेट्स सी कि किस तरीके से जो इसका जो बैकएंड है वो मैनेज किया गया है। ये मैंने AWS पे होस्ट किया है, जस्ट ओपनिंग एंड आई विल शो यू कि कनेक्ट करने के बाद किस तरीके की चीज़ें दिखती हैं, क्या सेटअप है। मेरा लैपटॉप लिटिल लिटिल क्या बहुत ज़्यादा स्लो रखा है, आई एम नॉट श्योर ये ऐसा क्यों करता है हर बार। बाकी ये ओबी स्टूडियो चलाने से भी और भी चीज़ें बहुत स्लो हो जाती हैं, बट एनी हाउ सून आई एम गोइंग टू चेंज माई लैपटॉप एज वेल। भगवान कृष्णा की मर्जी होगी तो वो भी जल्दी ही होगा। आई कॉपीड द रॉन्ग लिंक, डिलीट। यस नाउ लेट्स जस्ट कनेक्ट विद आर सर्वर एंड सी हाउ थिंग्स लुक्स लाइक। सबसे पहले मैं आपको अपना प्रोडक्ट दिखाता हूँ, दिस इज माय प्रोडक्ट फोल्डर, और यहाँ पे मेरा सारा सोर्स कोड है जो चल रहा है, और इसको मैंने चलाया है अपने PM2 की मदद से। यहाँ पे अभी एक ही इंस्टेंस मैंने रन किया है, उसका CPU 0% है और 105 MB की इसने मेमोरी ली है। और अगर मैं इसका आपको मॉनिटर स्टेटस दिखाऊं तो यहाँ पर हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं, अगर कुछ भी एरर्स हैं या कंसोल लॉग्स हैं वो यहाँ पर दिख जाते हैं, बट अभी तक सब कुछ स्मूथली चल रहा है, कोई इशू नहीं है। एंड जब भी एप्लीकेशन चलती है वो बेसिकली चलती है लोकल होस्ट 5000 पे। बाहर के जो ट्रैफिक हैं उनको मैनेज करने के लिए यहाँ पर एंजिनिक्स यूज़ किया हुआ है, आई विल शो यू दैट वन एज वेल। सॉरी एंजिनिक्स साइट्स अवेलेबल कैट ऑल्ट। अब मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करूंगा। यस दिस इज माई सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। जो भी रिक्वेस्ट आती है पोर्ट 80 पे उसको मैंने रिडायरेक्ट करवाया है, नॉट रिडायरेक्ट बट यस इट्स लाइक मैपिंग द डोमेन नेम विद द गोडैडी डोमेन नेम। जो भी ग्रोसर एट wakeupcoders.com पे रिक्वेस्ट आती है उसको हम इस तरीके से मैप कर रहे हैं, लाइक प्रॉक्सी पास हो रहा है, जो भी रिक्वेस्ट उस URL पे हिट होगी उसको आई एम रिडायरेक्टिंग टू लोकल होस्ट 5000, और जितना भी पूरा जो ट्रैफिक है वो मैनेज हो रहा है। एंड दैट्स हाउ आई एम एबल टू एक्सेस माई UI। और बाकी SSL को मैनेज करने के लिए मैंने सर्ट बॉट यूज़ किया हुआ है, तो थिंग्स लुक्स रियली ग्रेट।
अमेज़ॉन का जो सर्वर है वो काफ़ी फास्ट लगा, बट मेरा लैपटॉप थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि OBS स्टूडियो जब चलता है तो चीज़ें थोड़ी सी हैवी हो जाती हैं, और जो है चीज़ें थोड़ी सी मतलब लैगिस होने लग जाती है। बट ये था मेरा माइलस्टोन। अगर मैं बताऊं अपने अपडेट अबाउट माय पॉडकास्ट, तो वो भी काफ़ी अच्छा चला है, मैंने उसको भी काफ़ी अचीव किया है। तो अगर आप देखोगे तो उसके 8, 10, यस, अभी तक जो 10 हैं, 10 एपिसोड्स उसके कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी ऑलमोस्ट रेडी हैं, एंड उनको वन बाय वन मैं कर रहा हूँ। 3 से 4 ही रह गए जिसको मुझे रिकॉर्ड और रेडी करना है, एंड आई एम डन फॉर दिस ईयर। मेरी जो पर्सनल ग्रोथ का जो टारगेट था वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद मैं अपने प्रोडक्ट्स और अपने जो कंटेंट है इसकी मदद से नए नए लोगों तक पहुंच सकता हूँ, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना स्टार्ट कर सकता हूँ, कुछ नया सीख सकता हूँ, और माइंड में सेटिस्फेक्शन रहेगी कि यार इस साल टाइम वेस्ट नहीं किया, कुछ अच्छा अचीव किया। बाय द वे, एक रियली ग्रेट न्यूज़ है, ये प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो चुका है टू वन ऑफ माई क्लाइंट, नॉट अ क्लाइंट बट या वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त भी बन गया है, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।